हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सिंपल लाइफ ऑफ अन्नू। आज ससुराल का पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और टाइम हो रहा था सुबह के 7 बज रहा था, और यहाँ पे इडली का तैयारी हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं तैयारी हो गया था इडली का जो भी है, तो यहाँ पे बनाने ही जा रहे थे इडली। और यहाँ पे साइड में बाथरूम में दिखा होगा, ये अपना दाढ़ी बना रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं सांभर जो है वो तैयार हो गया है, और बस इडली बनाना बाकी था। और ये दाढ़ी बना के अपना निकल रहे थे, दाढ़ी बनाने का तैयारी कर रहे थे, दाढ़ी बनाए नहीं थे। और यहाँ पे सुबह उठने के बाद बहुत सारा काम हो चुका था, और बस नाश्ता का तैयारी आधा हो गया था, बस आधा बाकी था, जो कि इडली बनाने का काम जो था वो बचा हुआ था। तो चलिए उसको बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैटर जो है वो पहले से तैयार है, रात में उसको पीस के रख चुके थे। तो इडली का बैटर को थोड़ा फूलने के लिए छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर अब फूलने के लिए छोड़े थे रात भर, और ये फूल चुका है। और इसमें नमक ऐड कर दिया है, तो अब इसको बस बनाना है। और देख सकते हैं, तो इडली वाला जो स्टैंड है उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे, और फिर उसमें डाल के इसको स्टीम होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे कुकर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड में सबसे पहले तो तेल लगाएंगे अच्छे से, ताकि इडली जो है वो आराम से बाहर आ जाए। और ये जा रहे अपना दाढ़ी बनाने के लिए, उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जो इडली को जो है स्टैंड में डाल के कुकर में रखना है। और यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है कुकर पे, देख सकते हैं ये इंडक्शन पे चढ़ा हुआ है। और माँ जो है वो बाहर गई हुई थी, वो कहीं से आई हैं, तो उनको कटहल छीलना था, तो बैठ के वहाँ पे कटहल छील रही थी। और हम लोग बात करते करते अपना जो काम है वो कर रहे थे। तो यहाँ पे इडली का जो बैटर है वो स्टैंड में डाल रहा है, तो यहाँ पे लगभग हो चुका है। तो अब जो है वो कुकर अब बंद करेंगे, स्टैंड में स्टैंड को जो है वो पानी में रख दिए हैं। इसके बाद कुकर को बंद कर देंगे, और 10 मिनट लो फ्लेम पे और 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पे उसको छोड़ देंगे बंद करके। और यहाँ पे हो चुका था 20 मिनट, तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकर को खोल के इसमें से इडली निकाल रहा है। एक बार में ज़्यादा तो नहीं, बस 12 ही इडली बन पाता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है एक एक बार करने से, 1.5-2 घंटा का टाइम इसमें चला जाता है, तो इसको टाइम देना पड़ता है अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्लफी इडली तैयार है, और आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो नाश्ते के लिए इडली और सांभर सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पे इनका नाश्ता निकाल दिए थे, तो ये देख सकते हैं। और यह अब बच्चे का था 10, तो उसके बाद हम नहा के आ चुके थे, बहुत ज़्यादा जो है लेट हो गया था काम करते करते। तो यहाँ पे नहाने के बाद आ चुके हैं नहा के, और यहाँ अपना जो बाकी का जो मेकअप है वो करेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, और इसके बाद सिंदूर बिंदी जो भी है वो करेंगे, और रेडी होने के बाद फिर नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे रेडी होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे साड़ी पहनना होता है। वैसे तो अब आदत हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा बहुत मेकअप करने में ही थोड़ा टाइम जाता है, और बाल बाल झाड़ने में बस इसी में जो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, नहीं तो बिल्कुल जल्दी रेडी हो जाते हैं 10 से 15 मिनट में ही। यहाँ पे देख सकते हैं सिंदूर लगा रहे हैं।
और थोड़ा बहुत लिपस्टिक जो है वो लगा लेते हैं, क्योंकि कोई भी आते रहता है तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे, इसलिए थोड़ा बहुत मेकअप करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर शक्ल जो है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो रेडी होने के बाद आपसे मिलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं और साड़ी पहन चुके हैं ऑलमोस्ट। और बस बाल को बांधेंगे और उसके बाद करने जाएंगे नाश्ता, और हम और माँ दोनों साथ में नाश्ता करते हैं वैसे तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेट हो ही जाता है, 10 से 11 के बीच में ही नाश्ता था, और कभी कभी 11:30 12 भी बज जाता है। तो कोशिश तो हमेशा करते हैं कि जल्दी हो जाए, बट कभी कभी काम में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बाल हम बांध रहे हैं, और बाकी का सारा सामान जो है वो रख के और फिर यहाँ पे लगा रहे बिंदी, और यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तो ये है मेरा ससुराल का लुक, और यहाँ पे आ चुके हैं अब नाश्ता निकालने के लिए। तो हम और माँ दोनों अपना दोनों का नाश्ता हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता निकल चुका है। और वैसे तो हम लोग बाहर ही बैठ के खाते हैं, बट कोई आ चुका था बाहर, इसलिए यहाँ पे रूम में हम अकेले अंदर आके खा रहे हैं। और ये था मेरा सुबह का नाश्ता, हो रहा है 10 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं ये शाम का व्यू है, शाम के 5, 5:30 या 6 बजे हम लोग छत पे गए थे, और देख सकते हैं आसपास का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, सनसेट हो चुका था। तो हम लोग छत पे आए थे थोड़ा सा हवा खाने के लिए, और थोड़ी देर के लिए हम माँ और ये थोड़े देर बैठे छत पे, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत टहले। यहाँ पे देख सकते हैं माँ बैठी हुई हैं और दूसरे साइड पे ये खड़े थे। तो हम लोग भी थोड़े देर के लिए छत पे टाइम पास के लिए चले गए थे, और बाहर में थोड़ा सा हवा अच्छा चलता है तो अच्छा लगता है छत पे घूमना। और फिर वापस नीचे आने के बाद यहाँ पे बज रहा था 8, तो यहाँ पे रोटी बना रहे थे क्योंकि रात के डिनर का जो टाइम हो रहा था। तो वैसे तो 9 साढ़े 9 बजे तक सब लोग खाते हैं, बट फिर भी खाना जो है वो टाइम पे बनना भी ज़रूरी है इसलिए। और ये दोनों बच्ची जो है वो बगल की है, तो दोनों हमेशा खेलने के लिए आती रहती हैं, तो कभी कभी ही आती हैं वैसे तो, और दोनों बहुत ज़्यादा बदमाशी करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैठी हुई है, और माँ भी जो है वो अपना इधर उधर काम कर रही हैं। तो ये था मेरा ससुराल का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह मेरे ससुराल के ब्लॉग को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरा रोटी बन रहा है, और यहाँ पे माँ नीचे ही बैठ के खाना बनाती हैं, इसलिए हम भी नीचे ही बना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।